नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं प्रिया एक बार फिर से हाजिर हूँ बेरोजगारों के लिए रोजगार सीरीज को लेकर। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह के रोजगारों के बारे में। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2020 ने लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्तियां निकाली है। रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो फिलहाल इस संबंध में अभी जानकारी नहीं दी गई है। बाद में एसएससी अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी अपडेट करेगा। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार को 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जबकि भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार को 12वीं मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान स्ट्रीम में गणित विषय के साथ या समकक्ष में उत्तीर्ण होना जरूरी है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी 2020 तक 18 से 27 वर्ष तक होनी चाहिए। एसटी एससी को 5 वर्ष जबकि ओबीसी को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क एवं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को पे लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 के बीच, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सॉर्टिंग असिस्टेंट को पे लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 के बीच वेतन दी जाएगी। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 100 रुपए आवेदन शुल्क भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है या नकदी में एसबीआई शाखाओं में एसबीआई चालान या निर्माण करके भी शुल्क अदा किया जा सकता है। जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम एवं महिला अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी। आवेदन तारीख की अगर बात करें तो आवेदन 3 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है जिसकी अंतिम तारीख 10 जनवरी है। कहां करें आवेदन तो इच्छुक अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस राजस्थान ने कांस्टेबल, जीडी और ड्राइवर भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए कुल मिलाकर 5,000 रिक्तियां निकाली गई है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कांस्टेबल के लिए शारीरिक योग्यता के साथ भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जबकि चालक के लिए कक्षा 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हो, साथ ही LMB HMV के साथ 1 वर्ष पुराना मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो कांस्टेबल GD के लिए पुरुषों की उम्र 18 से 23 जबकि महिलाओं के लिए 18 से 28 निर्धारित की गई है और चालक के लिए पुरुषों की उम्र 18 से 26 जबकि महिलाओं के लिए 18 से 31 निर्धारित की गई है। राजस्थान राज्य के एसटी एससी निवासी को 5 वर्ष जबकि ओबीसी निवासी को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो नियुक्त होने के बाद 2 वर्षों के प्रशिक्षण अवधि के दौरान 14,600 पारिश्रमिक भत्ता दिया जाएगा जबकि उसके बाद नियमित वेतन श्रृंखला लेवल 5 के तहत वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी अदर स्टेट वालों को 400 रुपए, लेकिन अगर आपकी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र के तहत 2.5 लाख से कम है तो 350 रुपए आवेदन शुल्क चुकाने होंगे। जबकि राजस्थान राज्य के एसटी एससी को भी आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वहीं आवेदन तारीख की बात करें तो अभी आवेदन की तारीख तय नहीं की गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक कर सकते हैं। कहां करें आवेदन तो इच्छुक अभ्यर्थी लिंक सक्रिय होने के बाद recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फाइनेंस सर्विस, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीजी सबऑर्डिनेट, अकाउंट सर्विस असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड, नायब तहसीलदार, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, कमर्शियल टास्क इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट जेल ऑफिसर के लिए 199 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो पुलिस सेवा के लिए कम से कम 21 एवं अधिकतम 28 वर्ष जबकि अन्य पदों के लिए कम से कम 21 एवं अधिकतम 38 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के एसटी एससी निवासियों को 5 वर्ष तथा ओबीसी निवासियों को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट फाइनेंस सर्विस, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर का वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत 56,100 रुपए, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीजी सबऑर्डिनेट, अकाउंट सर्विस को वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 के तहत 38,100 रुपए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड और नायब तहसीलदार को वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 के तहत 36,400 रुपए, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर को वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के तहत 28,700 एवं असिस्टेंट जेल ऑफिसर को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत 25,300 रुपए के साथ अन्य भत्ते देय होंगे। वहीं हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट्स वालों को 400 रुपए जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में चुकाने होंगे।
वहीं अगर हम आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन करने की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2020 है। कहां करें आवेदन? तो इच्छुक अभ्यर्थी www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस संबंध में यहां से और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर डिजाइन, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर के लिए 62 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर डिजाइन, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित ट्रेड में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होना आवश्यक है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी सेक्रेटरी डिग्री, अकाउंट ऑफिसर के लिए 5 साल के अनुभव के साथ एमकॉम सीए डिग्री और लॉ ऑफिसर के लिए 4 साल के अनुभव के साथ लॉ एलएलबी में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के एसटीएससी निवासी को 5 वर्ष एवं ओबीसी निवासी को 3 वर्षों की छूट उम्र सीमा में दी गई है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को 15,600 से 39,100 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अदर स्टेट वालों को आवेदन शुल्क के रूप में 1,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश के एससी एसटी अभ्यर्थियों को 500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन करने की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 1 जनवरी 2020 है। कहां करें आवेदन? तो इच्छुक अभ्यर्थी www.upscidc.org वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा भर्ती के लिए 300 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो खेल और एथलेटिक्स में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने के श्रेय के साथ मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 12वीं पास होना आवश्यक है एवं शारीरिक योग्यता भी जरूरी है, जिसमें लंबाई 167 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए जबकि 153 महिलाओं के लिए है। अन्य भी कई शारीरिक योग्यताएं हैं जिसमें आप सीआईएसएफ की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 18 एवं अधिकतम 23 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत 25,500 से 81,100 के बीच दी जाएगी। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 100 रुपए, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित अधिकारी भर्ती क्षेत्र के पक्ष में पोस्ट ऑफिस में जहां डिमांड ड्राफ्ट दे होता है वहां देना होगा, जबकि एसटी एससी और महिला अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 दिसंबर है। कहां करें आवेदन? तो इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में सेल्फ अटेस्टेड सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं और 17/12/2019 को या उससे पहले आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीआईएसएफ कार्यालय के संबंधित डीआईजी को आईपीओ भेज सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए कुल मिलाकर 35 भिन्न भिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1, महाराष्ट्र में 5, केरला में 1, उत्तर प्रदेश में 4, कर्नाटक 4, आंध्र प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 1, उड़ीसा 1, चंडीगढ़ 1, तेलंगाना 2, गुजरात 1, तमिलनाडु 5, बिहार 1, असम 1, वेस्ट बंगाल 2, दिल्ली 3 और राजस्थान में 1 सीट के लिए भर्ती निकाली है। अगर हम इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 55% अंकों के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की 3 वर्ष या 5 वर्ष की डिग्री का होना आवश्यक होगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2019 तक कम से कम 23 और अधिकतम 30 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। वहीं अगर हम वेतन एवं भत्ते की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 56,000 रुपए प्रति माह के साथ अन्य भत्ते एवं सुविधाएं भी दी जाएंगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी उम्मीदवारों को 500 रुपए आवेदन शुल्क चुकाने होंगे। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। कहां करें आवेदन? तो इच्छुक अभ्यर्थी www.lichousing.com पर जाकर करियर सेक्शन में जाकर आवेदन कर सकते हैं एवं इस संबंध में वहां से अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।